तो बच्चों ये है 15th क्वेश्चन, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखें इसको, बहुत बड़े इजी से करते हैं भाई, कॉन्सेप्ट में आप स्टिक रहो तो बहुत इजी होने वाला है। देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अंडर रूट थ्री से मैं ये मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 7√3 × √3 को मल्टीप्लाई करा तो 3 × 3 होता है, √3 × √3 होता है 3, तो 7 × 3 हो जाएगा बच्चों 21। 21 के फैक्टर निकालता हूँ, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7, ठीक है, 3 7 और 3 7 और 3 +7 +3 कितना हो जाएगा 10x, बस हो गया मेरा आंसर। तो देखो √3x², ठीक है, √3 पे है, एक्स स्क्वायर पे नहीं है, तो √3x² +3x +7x+7√3 = 0। अब बच्चों देखो मैं इसमें दोनों में फिर भी अब कॉमन नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो 3 और यहाँ पे √3 है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ भाई, √3 × √3 क्या होता है बच्चों, 3 होता है, तो है ना, मैं एक काम कर सकता हूँ कि भाई 3 की जगह ना √3 और √3 लिख देता हूँ, तो मैं इस 3 की जगह √3 और √3 लिख देता हूँ, तो यहाँ पर देखो √3x² +√3 × √3x और फिर यहाँ पर √3 है ना, तो √3 √3 और x लिख दिया मैंने 3 की जगह 2 बार, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 7x+7√3 = 0। अब देखो मैं कॉमन अब निकाल सकता हूँ, तो √3 और x में कॉमन ले लेता हूँ, तो √3 लिया और x कॉमन लिया, तो यहाँ पे देखो क्या क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ क्या बचा x प्लस, देखो √3 और x तो यहाँ पर पहले से ही बाहर था, तो ये तो पूरा हट जाएगा, ये क्या बचा यहाँ पर √3 बच गया, ठीक है, प्लस यहाँ पे मैंने 7 लिया, 7 कॉमन लिया, तो x +√3 हो गया। देखो अब ये सही आ रहा है, पहले नहीं आता ये सही, अगर मैं 3 लेता ना तो नहीं आता, इसलिए मैंने क्या किया, 3 की जगह मैंने √3 लिखा, तो बस ये अब सॉल्व कर लेते हैं, √3x+7 = 0 और यहाँ पर x +√3 = 0। तो देखो बच्चों x की वैल्यू यहाँ पर आ जाने वाली है कितनी, ये इसको मैं इधर ले जाऊँगा तो ये हो जाएगा -√3 और यहाँ पे मैं ले आऊँगा तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, √3x = -7 और x -7/√3। तो अब इसको भी आप सॉल्व करोगे ना, इसको रैशनलाइज करोगे तो आपका आंसर आने वाला है, तो ये आप खुद करना, बहुत ही इजी है ये, है ना।